वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भगत सिंह। भगत सिंह की जिंदगी के उन आखिरी 12 घंटे की कहानी, क्या क्या हुआ था उस रोज। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पता करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि रात आई जबरदस्त आंधी सुबह होते होते सुहानी ब्यार में बदल गई थी। लेकिन जेल के कैदियों को उस समय थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरण सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ ये निकला कि ऊपर से आदेश है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है, जेल का नाई बरकर हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। जेल के कैदियों ने बरकत से मनुहार की कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज उन्हें ला दे ताकि वो अपने पोतों पोतियों को बता सकें कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंघा ले आया। सारे कैदियों में उस पर अधिकार जताने की होड़ सी लग गई। आखिर में इसके लिए ड्रॉ निकाला गया। अब सब कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी के सामने होकर जाने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने ऊंची आवाज कर उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। वार्डन चरण सिंह भगत सिंह के खैर ख्वाह थे और अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता था उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकालकर जेल के अंदर आ पाती थी। भगत सिंह पर खासा काम करने वाले चमनलाल अपनी किताब भगत सिंह डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं, भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव गुप्ता को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लीबनेक की मिलिट्रिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और अपटन सिंक्लेयर का उपन्यास द स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवा दे। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदि हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी सी जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर बमुश्किल उसमें समा पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे थे। मेहता ने बाद में लिखा था कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसे उन्हीं के सामने पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय न बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे। भगत सिंह ने किताब से मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह के साथ ही रहे शिव वर्मा अपनी किताब
रेमिनिसेंसेस ऑफ फिलो रिवॉल्यूशनरीज में लिखते हैं। मैं भी उसी जेल में था जिसमें भगत सिंह को रखा गया था। एक शाम हमारे जेल के ताले खोले गए और हमसे बाहर निकलने के लिए कहा गया। सरकार चाहती थी कि भगत सिंह की फांसी से पहले हमें वहां से हटा दिया जाए। गेट की तरफ जाने से पहले जेल के सुपरिटेंडेंट ने हमसे पूछा, क्या तुम अपने कॉमरेडों से मिलना चाहोगे? हमें भगत सिंह की कोठरी के बाहर ले जाया गया। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। भगत सिंह ने मुझे कहा, ये भावुक होने का समय नहीं है, जल्दी ही मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा, तुम वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे। इतना कहकर उन्होंने सीकचे से अपने हाथ बाहर निकाल कर मेरे हाथों को पकड़ लिया। जैसे ही जेल सुपरिटेंडेंट ने ये दृश्य देखा, उसने चिल्ला कर आदेश दिया, मार्च। ये मेरी भगत सिंह से आखिरी मुलाकात थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही। इलीगल है। अगले दिन सुबह 6 बजे के बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया कि वो उनके लिए उनको फांसी दिए जाने से एक दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लाए, लेकिन बेबे भगत सिंह की ये इच्छा पूरी नहीं कर सके क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी देने का फैसला ले लिया गया और बेबे को जेल के गेट के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ आपस में जोड़े और अपना प्रिय आजादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। सबके वजन पहले से बढ़ गए थे। इन सब से कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। चरण सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाकर कहा कि वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी तो मैंने ईश्वर को याद नहीं किया, असल में मैंने कई बार गरीबों के क्लेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उससे माफी मांगूं तो वो कहेगा कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है, इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए ये माफी मांगने आया है। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, कैदियों ने दूर से आती कुछ पद चापे सुनी। उनके साथ भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाजें भी आ रही थी। साथ में एक गाने का भी दबा हुआ स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तभी अचानक जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त था। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शाहदरा से बुलवाया गया था। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। वो अपनी माँ को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। भगत सिंह पर किताब लिखने वाले प्रोफेसर मलविंदर जीत सिंह वराइच लिखते हैं, लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उसकी आवाज सोंधी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे थे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची
और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। बाद में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टरों लेफ्टिनेंट कर्नल जे जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल एन एस सोधी ने उन्हें मृत घोषित किया। कुलदीप नय्यर अपनी किताब विदाउट फियर में लिखते हैं, एक जेल अधिकारी पर फांसी का इतना असर हुआ कि जब उससे कहा गया कि वो मृतकों की पहचान करे तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसे उसी जगह पर निलंबित कर दिया गया। बाद में एक जूनियर अफसर ने ये काम अंजाम दिया। पहली योजना थी कि इन सब का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन फिर ये विचार त्यागना पड़ा क्योंकि अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल से धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से उन शवों को एक सामान की तरह फेंक दिया गया। पहले तय हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत ही कम था, इसलिए सतलज के किनारे शवों को जलाने का फैसला लिया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इस बीच उप पुलिस अधीक्षक कसूर सुदर्शन सिंह कसूर गांव से एक पुजारी जगदीश अचरज को बुला लाए। अभी उनके शवों में आग लगाई ही गई थी कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया। जैसे ही ब्रिटिश सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वो शवों को वहीं छोड़कर अपने वाहनों की तरफ भागे। सारी रात गांव के लोगों ने उन अजले शवों के चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलज के किनारे हिंदू और सिख रीति से अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस खबर पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आई और लोगों ने कहा कि इनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्हें पूरी तरह जलाया भी नहीं गया। जिला मैजिस्ट्रेट ने इसका खंडन किया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। इन तीनों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस लाहौर के नीला गुंबद से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध स्वरूप अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांध रखी थीं और महिलाओं ने भी काली साड़ियां पहन रखी थीं। लगभग सभी लोगों के हाथ में काले झंडे थे। लाहौर के मॉल से गुजरता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच जा रुका। यकायक पूरी भीड़ में उस समय सन्नाटा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे हुए अवशेषों के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच गया है। जैसे ही 3 फूलों से ढके ताबूतों में उनके शव वहां पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई। लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। वहीं पर एक मशहूर अखबार के संपादक मौलाना जफर अली ने एक नज़्म पढ़ी, जिसका लब्बो लबाब था कि किस तरह इन शहीदों के अजले शवों को खुले आसमान के नीचे जमीन पर छोड़ दिया गया। उधर भगत सिंह की फांसी के बाद वार्डन चरण सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने सैकड़ों फांसियां होती देखी थीं, लेकिन किसी ने मौत को इतनी बहादुरी से गले नहीं लगाया था जितना भगत सिंह और उनके 2 कॉमरेडों ने। कम से कम उस समय किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक कारण साबित होगी और भारत की जमीन से सभी ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया था और जिस तरह से उन्होंने मतलब इतना अच्छी तरह से उनका वो दिखा रहे थे ना कि वो वॉइस रिकॉर्डिंग टाइप करके, और वो तो उससे इतना वो इफेक्ट आ रहा था और इतनी कोशिश की कि आंसू नहीं आए, स्ट्रांग रहे, पर नहीं हो सकता।
जितना देख के, मतलब खासकर जब देखो कि इतनी देशभक्ति थी कि मरने से भी डर नहीं लगा, वो भी हंस हंस के उन्होंने फांसी लगा ली। और उसके बाद आज की सिचुएशन में जैसे एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के मतलब पॉलिटिक्स के लिए भी, भई हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उस वजह से ही तू मैं शुरू हो जाती है। वो देखकर और इनको देख के बहुत दुख हो रहा है। ये मेरे दिमाग में आ रहा था कि एक थे जिन्होंने कंट्री के लिए जान दे दी, और अब आजादी के बाद क्या चल रहा है कि कोई पार्टी हो ना हो, देश के लिए सब इकट्ठे मिलजुल के काम करने की जगह भाई तू मैं शुरू हो जाती है हर चीज को करने के लिए, तो कहाँ चले गए। पर होप है कि, मैं तो यही सोच रही थी अगर ये ऐसी वीडियोस हर एक को दिखाए तो शायद चेंजेस आ जाए, समझ आ जाए हम लोगों को। पर वाकई मतलब ट्रू हीरोज राइट। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब देख के आपको पहले ये पता चलता है कि कितना मुश्किल था फ्रीडम लेना, कि और उस ग्रांटेड ले लिया, वो कि बच्चे जो आजकल पैदा हो रहे हैं उनको पता ही नहीं चलता कि फ्रीडम कितनी मुश्किलों से आया था। तो लोगों को ये एहसास होगा कि इसकी बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी थी फ्रीडम के लिए। अब और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने इसमें देखी है कि भगत सिंह बुक्स का उनको बहुत शौक था। जो इंसान इन जबरदस्त बुक्स पढ़ रहा है उसी का एक स्ट्रांग थॉट प्रोसेस हो सकता है, उसी के विचार स्ट्रांग बन सकते हैं, वो फाइट करेगा अपने विचारों के लिए। इससे एक बार क्लियर हो जाती है कि जो नॉलेजेबल इंसान है, जो इंटेलिजेंट इंसान है, जो स्मार्ट इंसान है, बेसिकली मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेजेबल। जो नॉलेजेबल इंसान है वही चेंज ला सकता है पूरे वर्ल्ड में। साधारण इंसान जो थे उन्होंने कुछ खास नहीं किया, मगर जो वाकई ही बहुत पढ़ लिख रहा था, नॉलेज थी, और जैसे बोल रहे हैं कि उन्होंने जैसे लेनिन के भी बुक्स पढ़ी हैं, कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा है, तो सब पढ़ने के बाद अपना माइंड सेट किया, डिटर्मिनेशन किया कि हमें आजादी चाहिए हर हालत पे, राइट। वैसे ही लोग होते हैं जो लाइफ में चेंज लेके आते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो लाइफ में चेंज लेके आते हैं, और वो ये हैं जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो फाइट करते हैं। साधारण दुनिया बस उसी चीजों में रह जाती है जो किसी ने किया, मगर जो लोग इन चीजों से बाहर देखते हैं, जो आउटसाइड द बॉक्स होते हैं, जो अपना विचार करते हैं, जो फाइट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, वही लाइफ में चेंज लाते हैं। और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमने भी अपनी मतलब जिंदगी में देखा है कि सभी लोग जो है हर चीज को फॉलो करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो चीजों के अगेंस्ट बोलते हैं, जो चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं। वैसा ही इंसान बनना चाहिए, और लोगों को आपको वैसा ही इंसान लिखना चाहिए कि हर चीज में ये कुछ निकालेगा प्रॉब्लम, हर चीज में कुछ करेगा। यही लोग जो प्रॉब्लम निकालते हैं सिस्टम में, यही इंप्रूवमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो बहुत अच्छा वीडियो था, आई होप कि इसे सभी लोग देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कितनी मतलब ग्रेट चीज है ये फ्रीडम। और स्पेशली अगर आप उन कंट्रीज में जाते हैं जहां राजा महाराजा हैं, तो आपको पता चलता है कि डेमोक्रेसी की कीमत क्या है, और कितना आगे अभी इंडिया को इस चीज को आगे लेके जाना है और वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री बनना है। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।